खंडवा नगर निगम की मनमानी और अव्यवस्थाओं के खिलाफ नर्मदापुरम और जगदम्बापुरम के रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में एकत्र हुई आक्रोशित महिलाओं ने सड़क के बीच मानव श्रृंखला बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। महिलाओं द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। इस बीच महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल जगदम्बापुरम के रहवासियों से निगम के ठेकेदार ने प्रत्येक परिवार से नल कनेक्शन के नाम पर 2000 से 3000 रुपए वसूले। देर रात तक नल कनेक्शन का काम किया और दूसरे दिन सड़क निर्माण का आश्वासन देकर चले गए, लेकिन सड़क नहीं बनाई। कॉलोनी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर कॉलोनी की महिलाएं महापौर और कमिश्नर से मिली थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। कॉलोनी वासियों को जानकारी मिली कि उनके क्षेत्र में सड़क निर्माण करने की बजाय निर्माण कार्य में लगी मशीनें लेकर ठेकेदार अनमोल बिहार कॉलोनी में काम करने चला गया है, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया और महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। जिन्हें समझाने एसडीएम, तहसीलदार, निगम कमिश्नर और निगम इंजीनियर मौके पर पहुंचे, जिन्हें महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। महिलाओं के इस आंदोलन का लाभ उठाने कांग्रेस से विधानसभा टिकट के दावेदार भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अधिकारियों से खूब बहस की। अंत में जब निगम अधिकारियों ने जगदम्बापुरम में शीघ्र सड़क निर्माण का वादा किया, तब कहीं जाकर महिलाओं ने चक्का जाम समाप्त किया। हाँ, हम रोड बनाने के लिए कर रहे हैं और कल हम कमिश्नर जी के घर पर भी गए थे, महापौर जी के घर पर भी गए थे। महापौर जी ने कहा कि आपका रोड बिल्कुल है, या तो आज रात में ही बन जाएगा और नहीं तो कल सवेरे तो आपका रोड बनना शुरू हो जाएगा। उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ का रोड जरूर बनेगा। तो हम गए और कहा, देख रहे हम कल से रास्ता बोलना तो सुबह कोई आया भी नहीं। और ये बात हमको जब मालूम पड़ी कि ये जो गाड़ी है वो अनमोल बिहार जा रही है, इसलिए हम लोगों ने चक्का जाम किया है। यदि हमारा रोड का पहले हो गया तो हमारा रोड पहले बनना चाहिए ना। कि रोड बनाने से पहले पाइपलाइन डाली जाए, हमारे खर्चे से प्रत्येक परिवार ने पाइपलाइन डाली, किसी को 1000 किसी को 2000 अपना अमाउंट खर्चा उठाना पड़ा। और रात में रात के 2-3 बजे रात तक काम चला, सुबह वो गाड़ी पलट गई, अनमोल बिहार जाने लगी रोड बनाने वाली गाड़ी। हमको धोखा दे दिया गया, हमको कहा गया कि तुम्हारा रोड का काम सुबह से शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं शुरू हुआ। हमने रोड बनाने के लिए आज चक्का जाम करा, हमारी मांग पूरी हो जाएगी, हम मर जाएंगे यहाँ से। आज ये सूचना मिली थी कि जगदम्बा कॉलोनी जगदम्बापुरम लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इनकी मांग है कि जो ठेकेदार द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आधा अधूरा करके दूसरी कॉलोनी में चले गए। यहाँ आरोप लगा कि अनमोल नगर में जाके काम कर रहे हैं, यहाँ काम पूरा नहीं कर रहे। यहाँ पर बुलाया गया है नगर निगम कमिश्नर साहब को बुलाया गया है और जो डीई साहब हैं उनको बुलाया गया है। अभी उनसे चर्चा चल रही है, लोगों को समझा के चक्का जाम हटवा दिया गया है और इस ट्रैफिक क्लियर। खंडवा से राहुल बोरसिया की रिपोर्ट।